मैं दावे के साथ कहता हूँ कि उन मजदूरों के खिलाफ कोई उंगली उठाने से पहले 10 बार सोचेगा, और कोई उंगली उठाएगा ना तो हम लोग हाथ तोड़ देंगे, ये वादा करता हूँ मनीष भैया की। एक मिनट चुप रहिएगा, बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। अभी यहाँ बोलेंगे कि नहीं भैया ऐसा हम कभी नहीं कर सकते। आए हम जो बोल रहे हैं हम फैक्ट बात बोलते हैं, बुरा मत मानिएगा लोग। चुप रहिए लोग ना, हमको गर्मी में रहने का आदत है, का है आपको परेशानी हो रहा है तो ठंडा में जाइए। एक आदमी का 6 लाख रुपया 5 लाख रुपया दिलवा दूंगा, ये अपने लिए आए हैं, ये आप स्वार्थी हैं। जी, अपने लिए आए, किसके लिए? अपने लिए। ऐसे बिहार में लाखों लोगों का पैसा लेके सहारा भाग गया। जी जी, ठीक है। रोज जो है वो कौन स्वयं सहायता समूह वाला चलाता है, सब ना पैसा कलेक्ट करता है ना, रोज समूह वाला पैसा रोज लेके भागता है सब, 5 करोड़ 7 करोड़ 10 करोड़ रुपया। भैया क्या के लिए पैसा दिए? जमीन के लिए, सरकारी जमीन लिखा दिया, जहाँ से उल्टा मारने का धमकी दे रहा है, स्टाम्प पेपर पर कलर पकड़ के साइन करा रहा था, बोल रहा तुम्हारा घर जला देंगे। भैया अब बताइए, बहुत हमको 1 लाख हमको मैसेज किया लेकिन नंबर नहीं मिला था, तब हमें आए गोपालगंज से। तो पिता आप या तो रो लीजिए या तो अपनी बातों को बता दीजिए। बोलिए हम क्या करें, इतना आइए हमारा घर एक बार। अरे काम तो बताइए तब ना जाएंगे लोग। अरे महाराज जी देखे बोलिए ना, अभी हम देखेंगे तो काम चलेगा, तो 4 घंटा तो हम ही देख जाएंगे। हमको जहाँ से मरवाने का धमकी दे रहा है, उनका प्रचार 7.5 लाख रुपया ले जाए हमसे, हम सूद भर लेके दे दिए, 7.5 लाख सूद हो गया है, हमको केस नहीं बनने दे रहे, केस दबा देना जाए जिला में। भैया हमको भैया क्या के लिए पैसा दिए? जमीन के लिए, सरकारी जमीन लिखा दिया, जहाँ से उल्टा मारने का धमकी दे रहा है, स्टाम्प पेपर पर कलर पकड़ के साइन करा रहा था, बोल रहा तुम्हारा घर जला देंगे। भैया अब बताइए, बहुत हमको 1 लाख हमको मैसेज किया लेकिन नंबर नहीं मिला था, तब हमें आए गोपालगंज से। तो विधायक को वोट दीजिएगा, मनीष कश्यप के पास आएगा। नाम का विधायक को वोट दीजिए, अभी तो जाते बता रहे हैं, हमारा बिहार का यही है भैया, सबसे बड़ा जाति विवाद है, जाति विवाद। हम छोटे जात से आते हैं भैया, छोटे बड़े जात कोई नहीं होता, बड़ा छोटा कुछ नहीं होता है। मथुरा जेल में बैठ नहीं हुआ, अभी तो आपका सोच नहीं बदल रहा है, जात कुछ नहीं है, अभी तो सोच नहीं बदल रहा है। ये चीज ऐसे करने से नहीं ना होगा, आप यहाँ पे आके जो है रो रहे हैं, आप अपनी चीजों को बताइए, रोना चाहिए लेकिन जबरदस्ती साइन करवा रहा था। अरे तो ये सब तो गुंडा सब तो यही सब करता ही है बिहार में, अब उसका विधायक जाके। अरे विधायक वह का है नहीं ऐसा करेगा, गुंडा को विधायक बनाएगा तो ऐसा ही ना करेगा, हम बनाए हैं। नहीं भैया हम नहीं बनाए, तो उन लोगों से जाके बोलिए कि नहीं बनाए गुंडा को विधायक, बढ़िया को एक बार हम जेल जाए। सही बात बोले मनीष जी, बात करते हैं आप ही लोग, नहीं हम लोग, वही हम लोग, हम लोग अब बदलेगा, लेकिन बदलने का बिहार का कब समय आएगा? हम सब बदलेंगे तभी तो बदलेगा, समय आ चुका है बिहार को बदलने के लिए। देखिए भैया हम ना सांसद है ना विधायक है, तो क्या करेंगे? आप लोग एक बार आइए हमारा घर दिखाइए, बस हमारा समस्या को दिखाइए, पैसा डूब गया हम जानते हैं, लेकिन हमारा जो सही रास्ता दिखाइए जी जी, हमारे पास जो अत्याचार हो रहा है वो दिखाइए भैया, आप उम्मीद लेके हमें जो समस्या है उसको समाधान कर दीजिए थोड़ा। अरे चुप रहिए लोग ना, हमको गर्मी में रहने का आदत है, का है आपको परेशानी हो रहा है तो ठंडा में जाइए। अरे रुकिए ना, पहले रुकिए ना, हम उसी उम्मीद को रास्ता दिखा रहे हैं, आप बोले ना कि उम्मीद लेके आए हैं जी, बहुत उम्मीद लेके आए हैं। अरे पहले सुनिए, हम उसी उम्मीद को रास्ता दिखा रहे हैं कि गलत दरवाजे पे ही जो है घंटी बजा रहे हैं,
गलत दरवाजे पे घंटी बजा रहा है। ये जो यूट्यूबर भाई साहब है ना, जो इनको लेके आए हैं, नहीं हम बेतिया से लेके सुनिए ना, गोपालगंज से आए थे, तो इनको जो विधायक जी प्रताड़ित किए हैं उस विधायक जी के खिलाफ वीडियो बनाइए जी, बनाइए। मनीष कश्यप क्या है, डीएम है, एसपी है, विधायक है, सांसद है, क्या है? गरीबों का मसीहा जब पावर ऐसे तो थोड़ी ना मसीहा बन जाएंगे, बनाएंगे, वोट देंगे। अभी चनपटिया साहब आए हैं, वोट देंगे, अब तो आप लोग बोलने ही नहीं दीजिएगा। अब इसीलिए ना यूट्यूबर मीट कार्यक्रम कोई नहीं कराता है, हम कराए हैं तो थोड़ा शालीनता का हम लोग परिचय दे, देह पे चढ़ जाइएगा लोग, फिर दोबारा हम लोग कैसे कराएंगे? हमको लगता है धूप वहाँ सोने चली रहे। अरे आप छाव में जाना है जाइए ना, हमको धूप में रहने का आदत है, हम इसी गांव में पैदा हुए हैं, हमारे हाँ हमको मत हमको रोज लगता है ये चीजें, तो ऐसे कैसे काम चलेगा, ऐसे ऐसे कैसे काम चलेगा? सुनिए नहीं, रुकिए ना, दो मिनट बोलने दीजिए, कोई पीछे से, कोई आगे से, कोई एक एक करके ना बातचीत होगा। कोई इधर से सवाल कर रहा है चार को, कोई इधर से, कोई इधर से, कोई कहेगा कि घमंडी है, मनीष कश्यप जवाब नहीं दे रहा है, ऐसा क्यों बोले? तो समझे, तो उम्मीद वाला बात बोले ना, तो हम इन्हीं को उम्मीद का सही रास्ता दिखा रहे हैं जी। एक आदमी का 6 लाख रुपया 5 लाख रुपया दिलवा दूंगा, ये अपने लिए आए हैं, ये आप स्वार्थी हैं जी, अपने लिए आए, किसके लिए? अपने लिए, खुद। ऐसे बिहार में लाखों लोगों का पैसा लेके सहारा भाग गया जी, 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 ठीक है जी। रोज जो है वो कौन स्वयं सहायता समूह वाला चलाता है, सब ना पैसा कलेक्ट करता है ना, रोज समूह वाला, समूह वाला, समूह वाला पैसा रोज लेके भागता है सब, 5 करोड़ 7 करोड़ 10 करोड़ रुपया रोज बिहार में जो है 10 को जो है वो भाग जाता है सब। अभी आप एक वीडियो बनाए यार, बोलने दो, अरे बोलने दीजिए, रोज लेके भागता है। भारत के दूसरे कोने में तो बिहारी को पीटा ही जाता है, कंबोडिया में भी बिहारी को मारा जा रहा है, आया था ना बेचारा वो, सुनिए तो कंबोडिया वाला के लिए इनके आंखों में आंसू है सर, आए हम जो बोल रहे हैं, हम फैक्ट बात बोलते हैं, बुरा मत मानिएगा लोग, हमारा ये सब क्लिप हुआ काट काट के चलाता है सब, मनीष बोल दिया, आप सब मनीष बोल दिया, हम सबके लिए बोल भैया, हम एक आदमी के लिए, दो आदमी के लिए, पांच आदमी के लिए काम कर सकते हैं, छठा के लिए करेंगे तब तो गथा के जो जेल चले जाएंगे, अकेला तो पहले बोल रहे हैं, सुनिए जेल चले जाएंगे, मदन हाजरा के लिए किए थे, उनके बेटे के दिल में छेद था ना, हम जेल चले गए, हमारा घर का कुर्की जो है उसी केस में हुआ, उसी केस में हुआ है, ठीक है। तो अब हम कुछ भी करेंगे सिस्टमेटिक ढंग से करेंगे, ये आके बोल दिया हमारा विधायक खराब है, वो गुंडाई कर रहा है, ये आके बोले, ठीक है, हम जाके वीडियो बना दिए, बाद में विधायक वह बोलेगा कि हाँ 6 लाख रुपया ला, तू चुप हो जा, मनीष के ऊपर केस करता नहीं, चुप हो जाएंगे। अभी एक मिनट चुप रहिएगा, अभी यहाँ बोलेंगे कि नहीं भैया ऐसा हम कभी नहीं कर सकते, अरे ऐसा ऐसा ही होते होते 18 को केस हो गया हमारे ऊपर, ऐसा ही होते होते आज भी मजदूर के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन इस बात का बेहद दुख है कि तमिलनाडु में मजदूरों के साथ जो भी हुआ, हम कहना नहीं चाहते, जो भी हुआ, जिस त्रिपुर में मजदूरों के साथ जो भी हुआ, वो त्रिपुर में सिर्फ बिहारी मजदूर एक दिन कंपनी बंद किए होते, बोलते कि हम नहीं काम करेंगे, सिर्फ एक दिन, एक दिन, हाँ हाँ, पूरे देश में बिहार के मजदूर सिर्फ एक दिन बंद किए होते कि मनीष कश्यप ने हमारे लिए आवाज उठाया था, हम एक दिन काम नहीं करेंगे, 30 दिन में एक दिन अगर नहीं काम करते तो उनको तो कुछ नुकसान नहीं होता, 300-500-700 रुपया का नुकसान होता, लेकिन मनीष कश्यप जो है ना अगले दिन जेल से बाहर रहता जी भैया, अगले दिन जेल से बाहर, अपना घर बनवाने के लिए तो हम नहीं कहे थे ना जी भैया, मेरा घर बनवा दीजिए, देखिए यहाँ पे घर बनवाने के लिए तो नहीं कहे थे ना, नहीं भैया, बोलिए ना उम्मीद, ये उम्मीद का हम रास्ता बताओ, एक दिन पूरा देश में बिहारी मजदूर कहते कि हम आज काम नहीं करेंगे, एक दिन, सिर्फ एक दिन, सिंगल डे, अपने अंदर वो हौसला लाना, सुनिए सुनिए, तब क्या होता कि बिहारी मजदूर के ऊपर आंख उठाने से पहले जो है कोई भी व्यक्ति 10 बार जरूर सोचता, अभी जेल से निकलने के बाद हमको कम से कम 50 को फोन आया कि यहाँ पे बिहारी मजदूर मार खाए, यहाँ पे खाए, यहाँ पे खाए, यहाँ पे खाए, यहाँ पे खाए, यहाँ तक कि कल भी फोन आया और साउथ इंडिया से फोन आया मेरे पास, मैं बोला कि भाई अब नहीं होगा, अब 9 महीना काट के आए, बहुत दुख दर्द से बोल रहे हैं, काला पानी इनके सजा आप काट के आए भैया, समझे इनकी आवाज में कितना दर्द है आप लोग समझिए, ये चीज है एकता नहीं है, जितने भी मजदूर थे
जितने भी मजदूर वो लोग सिर्फ एक दिन, अभी भी हम कह रहे हैं कि अभी भी हमारे साथ जो अत्याचार हुआ था सिर्फ एक दिन, पूरा भारत में बिहार के सारे मजदूर कहे कि हम एक दिन काम नहीं करेंगे, मनीष कश्यप के लिए नहीं करेंगे, वो सिर्फ एक दिन। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि उन मजदूरों के खिलाफ कोई उंगली उठाने से पहले 10 बार सोचेगा, और कोई उंगली उठाएगा ना तो हम लोग हाथ तोड़ देंगे, ये वादा करता हूँ। मनीष भैया के पत्रकार है कि राजनीति करे, राजनीति हम नहीं करते। हाँ तो पत्रकार बने रही, जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे कार्यकर्ता लगाते, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ ना कि आज भी मैं बोल रहा हूँ कि अगर बिहार के सारे मजदूर एक दिन सिर्फ कहे कि हम पूरे देश में काम नहीं करेंगे, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि देश के किसी भी कोने में बिहारी मजदूर के खिलाफ कोई भी एक शब्द नहीं बोलेगा, क्योंकि पूरे देश के मुख्यमंत्रियों को पता चल जाएगा कि अगर बिहारी मजदूर के साथ कहीं अत्याचार हुआ तो ये सब बंद कर देगा। तो ये यूनियन होना चाहिए, हम बिहारियों को जो है पंजाबियों से सीखना चाहिए। मोदी जी को झुकाने वाले सिर्फ और सिर्फ एक ही पंजाब के किसान अकेले दम पे झुका दिए, और उनसे ज्यादा जनसंख्या हमारी है कि नहीं है भैया? तो क्या हम इन जो लोग हमें परेशान करते हैं, हम बिहारियों को, क्या हम उनको झुका नहीं सकते हैं? झुका सकते हैं। उसके लिए लॉजिकली जब बातें करेंगे, एक दूसरे को समझेंगे, तब होगा, नहीं तो नहीं होगा।